ईडी के पहले डेट पर वो हाजिर नहीं होते हैं और दूसरे डेट पे कहते हैं कि उससे पहले ही हम हाजिर हो जाएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी एड को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक खत लिखा है। सोरेन ने जांच एजेंसी से अपील की है कि उन्हें पूछताछ के लिए 17 नवंबर के बजाय एक दिन पहले 16 नवंबर को ही बुला लिया जाए। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने अपनी कुछ जरूरी मीटिंग और व्यस्त कार्यक्रम का हवाला दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर ईडी ने फिलहाल सोरेन की अपील को खारिज कर दिया है। ईडी का कहना है कि इस अपील को मानने में कई तरह की तकनीकी दिक्कतें हैं। इसके साथ ही उस मामले की जानकारी को लिखित और औपचारिक तौर पर साझा कर दिया गया है। देखिए, जब भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के समन का डेट नजदीक आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के डाइवर्जन टैक्टिक्स की जो श्रृंखलाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन में यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 बार समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल के पास जब माइनिंग लीज का ओपिनियन आया तो वो बार बार कहने लगे कि आप समय से पहले दें। ईडी के पहले डेट पर वो हाजिर नहीं होते हैं और दूसरे डेट पे कहते हैं कि उससे पहले ही हम हाजिर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा मानना है कि ये सिंपल केस ऑफ करप्शन है। इन्हें जांच एजेंसी से कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को आह्वान किया जा रहा है कि 16-17 को आप रांची चलो और रांची की घेराव करेंगे और आप बड़ा प्रदर्शन करेंगे, तो ये साफ लग रहा है कि वो पॉलिटिकल प्रेशर देना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई गलती नहीं की तो दुनिया की कोई एजेंसी उन्हें सजा नहीं दे सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार एजेंडा सेट कर रहे हैं तो काफी कुछ उनके पास छिपाने के लिए है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।